तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अपना ब्रज घाट पे, जहाँ पे अपने गंगा भैया है। काफी टाइम से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। और तो भाई काम करा दिया भाई, देखो पैसे लेने के लिए मना कर रहे हैं नकुल भाई हमारे, कह रहे पैसे नहीं लेंगे आपके लिए फ्री सेवा। पता जल्दी बता, कुछ भी ना भाई, कुछ भी। चलो ठीक है। तो भाई ये हमारे भाई का प्यार है, जब भी आता हूँ भाई से काम कराने के लिए भाई पैसे लेता, कहता कोई बात नहीं यार घर वाली बात है। तो भाई और सेकंड वहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाने वाला हूँ, जो मेरी लाइफ की बहुत ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया है। भाई ये है अपनी ब्यूटी, तो इसकी टेस्ट आप लेने आ रहे हैं, बाकी देखते हैं इसमें क्या कमी आ रही है। बाकी इसमें एक इशू आ गया था आगे डिस्प्ले में। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज निकलते हैं भाई यूपी के लिए, यूपी निकल रहे हैं स्कूटी छोड़ने के लिए अपनी व्हाइट वाली। लास्ट टाइम भी मैं निकलने वाला था, उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, उस वजह से निकल नहीं पाया था। दो दिन स्कूटी ने भाई काफी ज्यादा परेशान करा, फाइनली स्कूटी अपनी रेडी हो चुकी है और आज निकलते हैं अपने यूपी के लिए। सामान अपना सारा पैक हो चुका है, ये रहा बैग आ गया, अपना हेलमेट आ गया, बाकी स्कूटी खड़ा हुआ, आपका स्कूटी नीचे खड़ी है भाई, वो स्कूटी खड़ी है। बाकी सारी स्कूटी मैंने रात को ही रेडी कर दी थी, जितने छोटे मोटे काम थे सारे रात को ही फाइनल कर दिए थे। और काम तो भाई डेली होता है, तो आज आपको कराते हैं यूपी के साथ, दिखाते हैं यूपी की खूबसूरती कि अपना यूपी कितना खूबसूरत है। फाइनली भाई अभी पहुंच चुके हैं गाजियाबाद, और गाजियाबाद में मुझे क्या थोड़ा सा कुछ काम था, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे एक घंटे के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो अभी पीछे देख सकते हो मेरे बर्गर किंग जस्ट किया, तो यहाँ पे मुझे काम है, दो जगह पे काम है, एक बार यहाँ पे विजिट करनी है, इसके बाद में एक जगह और विजिट करनी है, क्योंकि यहाँ से क्या मेरा जो हाईवे ना, हाईवे यहाँ से मेरा जस्ट बिल्कुल राइट में ही है, तो जस्ट मेरे पास में पड़ा था, मैंने क्यों ना कि यहाँ से विजिट करता हूँ निकलूँ, क्योंकि बाद का फिर काम थोड़ा सा पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी मुझे क्या पूरा गाजियाबाद में कई जगह विजिट करनी पड़ रही है। तो अभी दो स्टोर में विजिट करने वाला हूँ मैं, एक इस स्टोर में जयपरिया मॉल है, इसके बाद एक और अपना ओपनलैंड मॉल है, वहाँ पे विजिट करेंगे, वो भी अपना जस्ट यूपी के पास ही पड़ता है, और वो जो बिल्कुल जो है दिल्ली से काफी ज्यादा दूर पड़ता है और यूपी से पास पड़ता है, तो वहां पे विजिट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे, उसके बाद फिर अपने गंगा जी पहुंचेंगे, उसके बाद में कहीं स्टॉप निकलेंगे, उसके बाद सीधा गंगा जी पहुंचेंगे, गंगा जी अपना स्टॉप लेंगे, उसके बाद सीधा खर। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अपना ब्रज घाट पे, जहाँ पे अपने गंगा भैया है, काफी टाइम से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे अपना घंटा करा है, यहाँ पे वॉच लगी हुई है, बाकी बात बहुत ज्यादा किया हुआ व्यू का, बाकी थोड़ा आपको क्लोज से दिखाता हूँ। बाकी भाई व्यू चेक करो, लास्ट टाइम उस साइड जहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी हैं, लास्ट टाइम बाइक से हम लोग वहां पे गए थे, वहां पे हमने स्नान वगैरह किया था, और अभी क्या वहां पे जाने का रास्ता क्लोज हो रखा था, वहां पहुंच नहीं सकते हैं। तो अभी भाई यहीं का व्यू चेक करो, बाकी भाई टाइम हो चुका है इस वक्त 11:30 का, और सुबह निकले थे मॉर्निंग में, और आगे अपना शमशान घाट बना रखा है थोड़ा सा आगे जाके, बाकी फटाफट भाई निकलते हैं दोबारा से अपने सफर के लिए। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग जहाँ पे जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहां पहुंच चुके हैं, सिस्टर का घर मेरी वहां पहुंच चुके हैं, बाकी अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि अपने पास में एक बाइक खड़ी है, तो काफी टाइम से खड़ी है, उसको चलती वलती है नहीं इतना, तो जीजो कहने एक बार जाओ इसकी टेस्ट ड्राइव लेके आओ, और जो भी इसके अंदर में कमी होती है छोटी मोटी अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। तो फटाफट से निकलते हैं अभी बाइक लेके, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद जो छोटी मोटी कमी भी होगी जो वॉशिंग वगैरह कराएंगे, बाकी आपको बाइक दिखाते हैं बाद कौन सी बाइक है। तो भाई ये है अपनी ब्यूटी, तो इसकी टेस्ट आप लेने आ रहे हैं, बाकी देखते हैं इसमें क्या कमी आ रही है। बाकी इसमें एक इशू आ गया था आगे डिस्प्ले में, ये इसका अगले वाला कैलिपर जाम हो रहा है, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद क्या कि गाड़ी का टायर जाम हो जाता है, और जो कैलिपर वो धीरे धीरे ब्रेकों को वापिस छोड़ता है, तो थोड़ा देर तक टायर चलता है टायर अपना, तो उसकी वजह से क्या डिस्प्ले में हल्के निशान आने लगे हैं, और कैलिपर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बाकी ये रहा अपना हीरो छोटा, हाँ भाई चुन्नू ओ, बाकी ये अपना हीरो छोटू भैया, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय। तो भाई फटाफट से लेके निकलते हैं इसको, उसके बाद के टेस्ट लेते हैं, भाई काम कराते हैं छोटे मोटे सारे। तो भाई एक बार साउंड सुनो बाइक की, लेके निकलते हैं, राउंड मारते हैं, कि जो भी कमी होगी वो करवाते हैं चल के, और फिर बाकी आपको रिएक्शन दिखाता हूँ मैं लोगों को एक बार। यहाँ पे हमारे मेला लगा हुआ है,
बहुत गजब की साउंड आ रही है, बहुत ज्यादा। और बहुत टाइम बाद इसको चला रहा हूँ भाई मैं। तो भाई पहुंच चुके हैं अपनी नुकुल भाई की दुकान पे। हाँ हाँ भाई की बात कर रहा हूँ, नुकुल भाई की। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, और अब इसके डिस्पैच खुलवा रहे हैं, पीछे वाले अगले खुलवाएंगे, पिछले खुलवाएंगे। बाकी नकुल भाई वो खड़े हमारे, जिनकी भाई के यहाँ पर वर्कशॉप है, वो भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं, और भाई काम भी बहुत बढ़िया है भाई का, और भाई बंदे भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदे हैं। बाकी नकुल भाई को मैं समझा दिया क्या काम करना। हाँ, इसका फिल्टर खुलवाएंगे और उसके बाद इसका डिस्पैच निकलवाते हैं, बाहर से भी निकलवाते हैं। तो भाई इजली की से हमने अपना पहले पैनल खोल लेंगे, नीचे की तरफ से पैनल आते हैं। बाकी यहाँ पे ये रखा है, इसको खींचेंगे, अपनी सीट ओपन हो जाएगी। तो भाई सीट अपनी ओपन हो चुकी है। बाकी यहाँ पे इसमें एलंकी वाले स्क्रू होंगे आई थिंक वो, हाँ यहाँ पे एलंकी वाला स्क्रू है, ये खुलेगा और आगे का पैनल खुलेगा, अपना पैनल अपना बाहर जाएगा यहाँ से। तो भाई इजिली अपना पैनल बाहर आ गया, ऊपर का स्क्रू खोला है और यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ से बाहर खींच के पैनल को ऊपर की तरफ खींच लिया। बाकी इसका फिल्टर क्लीन करवा देते हैं भाई। यूज करने वाले अपना WD-40, बाकी जितने भी अपने स्क्रूज अपने हैं, अपना लॉक वगैरह है, इसमें WD-40 मार देंगे, उसके बाद ग्रीस लगवा देंगे, क्योंकि सीट बार बार खुलती नहीं है इसकी। तो एक बार इसमें WD-40 मार देते हैं। तो भाई WD-40 मार दिया, बाकी फिल्टर क्लीन होने के लिए भेज दिया इसका, बाकी डिस्प्ले भी खुलाएंगे। एक बार इसकी आपको साउंड सुनाता हूँ, भाई बात साउंड सुनाओ उसकी। तो भाई फिल्टर होके आ गया अपना क्लीन, वैसे क्लीन था फिर भी एक बार मैंने इस पर हवा लगवाई दी है, बाकी फिल्टर फिट करवा देंगे फटाफट से इसका। तो भाई डिस्पैट अगले खुल चुके हैं भाई, कंडीशन देखो कि इसमें कितना ज्यादा रस्ट आ चुका है डिस्पैटों के अंदर, ये देखो। तो डिस्पैटों को साफ कराते हैं, क्योंकि गाड़ी में क्या है, जब गाड़ी को आगे पीछे करते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर साउंड आ रही अजीब सी, तो कानों में बहुत ज्यादा चुभ रही है। तो उनकी डिस्पैटों को क्लीन करा के इनको फिट कराते हैं, फिर पीछे का भी यही प्रोसेस करवाएंगे सेम। तो भाई अपना अगला कैलिपर फिट करा दिया, बाकी उसकी जिसने भी क्लीनिंग करानी थी क्लीनिंग करा दी, बाकी काफी ज्यादा रस्ट में। और बाकी पिस्टनों पे भी मैंने एक बार WD-40 लगा दिया, बाकी पिछला वाला पिस्टन खुलवा दिया। तो पिछले वाले की आपको कंडीशन दिखाता हूँ क्या कंडीशन है। तो भाई खुलवा दिए पीछे के डिस्पैट, बाकी पीछे वाले डिस्पैटों में भी काफी कारण आया हुआ है, पीछे के तो फिर ठीक है अभी, बाकी इनमें भी एक बार देखभाल लगा के फिट कराते हैं। बाकी पिस्टन में एक बार मैं WD-40 मार दूंगा इसके, ताकि पिस्टन जो अपना स्मूथली काम करें। तो फाइनली भाई काम कंप्लीट हो चुका है अपनी बाइक का, और अब लेके चल रहे हैं इसको वॉशिंग पे। पिछले काम भी करा दिया, बाकी वॉशिंग कराया था, काफी गाड़ी काफी ज्यादा गंदी होती है, वो काफी टाइम से खड़ी भी है, और वॉशिंग कराने के बाद इसको फिर एक बार लंबा लेके चलेंगे राइड पे। तो भाई बाइक हो गई रेडी, लेकिन निकलते फटाफट वॉशिंग। तो भाई काम करा दिया भाई, देखो पैसे लेने के लिए मना कर रहे हैं नकुल भाई हमारे, कह रहे पैसे नहीं लेंगे आपके लिए फ्री सेवा, पता जल्दी बता कुछ भी ना भाई। चलो ठीक है, तो भाई ये हमारे भाई का प्यार है, जब भी आता हूँ भाई से काम कराने के लिए भाई पैसे लेता, कहता कोई बात नहीं यार घर वाली बात है। तो भाई फटाफट से लेके निकलते हैं, अपना हेलमेट दे रखा, हेलमेट लगाते हैं और चलते हैं गाड़ी की वॉशिंग करवाने। तो भाई पीछे अभी शायद किसी बंदे का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो अभी लगाएंगे इसकी बाइक के पैर, बाइक मोड़ दे वापस मैंने। क्या भाई पेट्रोल खत्म हो गया? कहीं मैं पैदल आया था। मैंने देखा भाई यार लिटा रहे गाड़ी को, मैंने लगता पेट्रोल खत्म हो गया, आगे ले लो, मैं पैदल आया था। इंसानियत ही इंसानियत के काम आती है, अगर आपको कहीं कोई बंदा इस तरीके से मिले भाई पैर धक्का देता हुआ गाड़ी में, तो भाई उसकी मदद करो यार। क्या टाइम लगा उसे, जब 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे होंगे अगले बंदे को, यार मदद मिल गई, अगले बंदे ने पूजा करा मेरा। तो भाई वो लगा हुआ है जस्ट सामने रावण, और ये तो पहले यहाँ पे मामला होती थी पीछे की साइड में, आपको दिखाता हूँ, तो ग्राउंड लगा हुआ है, पहले उस साइड में मामला होती थी, अब क्या यहाँ पे होने लगी है, पहले वहां पे जलता था, वहां का छोटा ग्राउंड था, उस वजह से इसको यहाँ पे जलाने लगे। बाकी रावण इस बार एक ही जगह, पिछली बार 3 लगे थे। और भाई एक चीज आपको खास बताऊं, उसके रावण जो बनाया ना मेरे भाई ने बनाया, लेसन में है। बाकी आप सब सोच रहे हो मजाक कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर वो होता तो आपको उससे मिलवाता। घुस जाएगी, घुसेगी नहीं
फाइनली भाई वॉशिंग हो चुकी है और अब निकलते हैं बाइक को लेके घर, क्योंकि भाई सुबह से भारी है, भारी बाहर घूमने जा रहे हैं, घर नहीं गए हैं। तो सिस्टर बोलेगी जब से आया वो, तो बोलेगी घूमने आ पाए यहाँ पे या मुझसे मिलने आता है। तो फटाफट से भाई घर निकलते हैं लेके अपने बुलबुल को। हमारे के होठ सफेद पड़ गए। भाई एक बार भाई बसड़ चेक करो कितनी बसड़ होती यहाँ पे। और अभी भाई धीरे धीरे बसड़ होने वाली यहाँ पे, और काफी दूर दूर से लोग आए गाँव से। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे जो बंदे आते हैं भाई बहुत दूर दूर से आते हैं, ट्रकों में लोड लोड का होके आते हैं और ट्रैक्टर वगैरह में। तो भाई अभी टाइमिंग कुछ पता नहीं है, अभी टाइम हुआ है अभी भाई 8 बजे हैं, 9 बजे के आसपास का दहन हो जाएगा। बाकी थोड़ी देर में हम लोग भी निकल रहे हैं घर। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं थकार के घर पे। बाकी दशहरा भाई हम लोग देख नहीं पाए थे क्योंकि क्या है कि काफी ज्यादा टाइम लेट हो रहा था, काफी देर तक हम लोग वहाँ पे रुके, मगर वो क्या था कि रावण फूट गया था, इस वजह से फिर हम लोग घर आ गए। तो अभी घर आ गए। बाकी आज का दिन बहुत ज्यादा इन्जॉयमेंट वाला था भाई, सब काफी इन्जॉय करा मैंने और थक गए काफी ज्यादा, खाना वाना खा चुके हैं। तो अभी के लिए सोने जाते हैं क्योंकि कल निकलना है मुरादाबाद, और मुरादाबाद क्या रीजन है भाई निकलने का, वहाँ पे थोड़ा सा काम भी है मेरे को। और सेकंड वहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाने वाला हूँ जो मेरी लाइफ की बहुत ज्यादा वहाँ पे सबसे ज्यादा साथ में मैंने और टाइम स्पेंड किया है। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में।